हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करते हैं इरेगुलर पीरियड की या फिर मासिक की अनियमितता की। देखिए, जो मासिक है, महिलाओं के शरीर को खूबसूरत बनाने वाले हार्मोन इसी समय बनते हैं। तो मासिक क्या है? एक जरूरत है इस सृष्टि को चलाने के लिए, क्योंकि उसी समय एवोल्यूशन होगा और एवोल्यूशन से ही बच्चा पैदा होने की प्राथमिक नींव है। तो देखिए, जो अगर पीरियड रेगुलर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इरेगुलरिटी आ जाए उसी पीरियड में तो वो क्या करता है कि कई चीज़ों को इम्बैलेंस कर देता है और कई बीमारियां जनरेट हो सकती हैं महिलाओं के शरीर में। तो देखिए, मेनस्ट्रेशन इज द रेगुलर नेचुरल चेंज इन द यूट्रस ऑफ फीमेल। फीमेल के यूट्रस में जो मेनस्ट्रेशन है वो नॉर्मल है और नेचुरल चेंज है ना। ड्यूरिंग मेनस्ट्रेशन कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड एक्नी, टेंडर ब्रेस्ट, ब्लोटिंग, फीलिंग टायर्ड, इरिटेबिलिटी, मूड चेंज। जब भी पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उस समय जो कॉमन सिम्टम्स, जो कॉमन लक्षण आते हैं, एक्ने, रफ स्किन, रफ हो जाती है, मुहासे दिखने लगते हैं हल्के हल्के, टेंडर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट खड़े हो जाते हैं, ब्लोटिंग, पेट में गैस जैसी बनने लगती है, फीलिंग टायर्ड, थकान लगने लगती है, और उस समय इरिटेबिलिटी और मूड चेंज, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आता है और मूड चेंज होता है। ये सब इसलिए होते हैं कि शरीर में हार्मोन का स्तर कुछ का बढ़ता है, कुछ का क्या है, घटता है, यानी हार्मोन का स्तर बदलता है, इस वजह से ये सब आते हैं सिम्टम्स। अब देखिए, अगर नॉर्मल मेनस्ट्रुअल साइकिल कितने की है? 28 दिन की है नॉर्मली, लेकिन उसका जो रेंज है 21 से 35 दिन का है, यानी मेनस्ट्रुएशन पीरियड शॉर्टर देन 21 दिन, 21 दिन से छोटा, एंड लॉन्गर देन 35 डेज आर इरेगुलर। यानी इरेगुलर उसी को बोला जाएगा जो 21 दिन से कम आ रहा है या फिर 35 दिन से ज्यादा आ रहा है। तो देखिए, मेनस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसमें चार प्रमुख स्टेज होते हैं। इन चार प्रमुख स्टेज में हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो देखिए, उसको देख लेते हैं चार स्टेज क्या है। तो देखिए, पहला स्टेज क्या है, यूट्रस की दीवार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हो जाने के कारण टूटने लगती है और ये 1 से 5वें दिन होता है। यानी फर्स्ट फेज क्या है कि मेनस्ट्रुएशन जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो पहले से 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होने लगती है। अब ब्लीडिंग क्यों होती है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है ना। फिर दूसरा फेज क्या है, यूट्रस की दीवार फिर से बनने लगती है, यानी जब ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद 5 से 10 दिन में यूट्रस की दीवार फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है। और तीसरा फेज है एवोल्यूशन आकर्ष, इस समय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन व फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अधिक मात्रा में बनता है और इसी समय एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन के जो रियल टाइम है, अगर 28 दिन का मेंसेस है तो 14वें दिन एवोल्यूशन होता है, लेकिन जो नॉर्मल रेंज रखा गया एवोल्यूशन फेज का 11वें से 18वें दिन तक रखा गया है एवोल्यूशन का फेज है। और चौथा है यूट्रस की दीवार पुनः फिर से पूर्णतया बन जाती है, इस समय प्रोजेस्टेरॉन की अधिकता रहती है। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन जब अधिक रहेगा तो यूट्रस की दीवार एकदम ठीक से बनी रहेगी, और प्रोजेस्टेरॉन जब कम हो जाएगा तो यूट्रस की दीवार टूट करके निकलने लगती है। तो देखिए, पीरियड का होना, अनियंत्रित होना, इरेगुलर होना, सब हार्मोन के कंट्रोल में है। यानी बॉडी के हार्मोन अगर ठीक रहेंगे तो पीरियड ठीक समय से आएंगे। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ तो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, प्रोजेस्टेरॉन जब ज्यादा है तो ब्लीडिंग क्या होगी, नहीं होगी। देखिए, यूट्रस की दीवार पुनः फिर से पूर्णतया बन जाती है, इस समय प्रोजेस्टेरॉन की अधिकता होती है, 19वें से 28वें दिन तक प्रोजेस्टेरॉन की अधिकता होती है। जो ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तभी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी देखिए, ये जो इरेगुलर पीरियड के सबसे पीछे रीजन क्या है कि जो हार्मोन का लेवल चेंज होना। तो अब देख लेते हैं कॉमन इरेगुलरिटी के जो रीजन क्या क्या हैं मेंसेस को इरेगुलर होने के। तो देखिए, इरेगुलर मेंसेस होने के सबसे बड़े रीजन क्या है कि अत्यधिक व्यायाम या खूब जो ढेर सारा काम करते हैं, या फिर डाइटिंग जो कि हार्मोन स्तर को अनियंत्रित कर देता है। जो डाइटिंग है वो हार्मोन के स्तर को क्या कर देगा, अनियंत्रित कर देगा ना। दूसरा है तनाव, सबसे बड़ा कारण है मासिक के अनियमित होने का, जो तनाव, फैमिली की टेंशन, हस्बैंड वाइफ की टेंशन, ठीक है, और ये सब कई टेंशन होते हैं, तो इस वजह से जॉब की टेंशन है, स्कूल जाना है, काम करना है, ऑफिस जाना है, तो इस तरह से इन सब का जो टेंशन है उसकी वजह से हार्मोन का लेवल चेंज हो जाता है, उस वजह से मासिक की अनियमितता हो जाती है ना। और तीसरा है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, अगर ओवरी में सिस्ट बन गया है तो सिस्ट भी एक मेंसेस का ड्रॉबैक है, मेंसेस की वजह से सिस्ट बनता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम मेरे पहले वीडियो में है कि अगर सिस्ट बन गया तो उसका कैसे इलाज किया जाए, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से भी अनियमितता हो जाती है। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो
बच्चे ना हो उनको रोकने के लिए जो पिल्स ले जाते हैं, जो गोलियां ले जाते हैं, उसमें भी हार्मोन होते हैं। तो वो भी हार्मोन, वो हार्मोन जो पिल्स वाले जो हार्मोन है, वो बॉडी के हार्मोन को अनियंत्रित कर सकते हैं कुछ केस में, जिनकी सेंसिटिविटी कम या ज्यादा है तो उनको प्रभावित कर सकते हैं, तो उस वजह से हो जाते हैं। और थायराइड का अनियंत्रित हो जाना, थायराइड हार्मोन अगर ज्यादा कम बनने लगे वो भी नियंत्रित हो जाएंगे, तो भी पीरियड वाले जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सबको क्या कर देते हैं, अनियंत्रित कर देंगे। और जब 3 उम्र में मासिक प्रारंभ होता है तो रेगुलर होने में 5 से 10 महीने लगते हैं। यानी अगर किसी बच्ची को अगर MSS स्टार्ट हुए हैं तो 5 से 10 महीने रेगुलर होने में लगते हैं, स्टार्टिंग के इरेगुलर होते हैं। तो अब देखिए, अगर मेंसेस इरेगुलर हैं तो उसे घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं, हा? तो घरेलू इलाज का तरीका क्या है, क्या 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 हम लोग कर सकते हैं ताकि अनियमितता में थोड़ी कमी आ सके। तो देखिए, पहला क्या है, नारियल का सेवन नियमित रूप से करें। दूसरा है सिन्नामोन, जो दालचीनी होता है, मासिक के नियमित करने में सबसे प्रभावी है। इससे हार्मोन को नियंत्रित करने में का बड़ा गुण है। सिन्नामोन के अंदर ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो हार्मोन को नियंत्रित कर देंगे, बॉडी के जो हार्मोन है। अभी सिन्नामोन का उपयोग कैसे करें, 1 चम्मच दालचीनी लीजिए, उसको हल्के से पानी में उबाल दीजिए, बॉयल कर देने के बाद पानी पूरा पी जाइए। इस तरह से सिन्नामोन का उपयोग कर सकते हैं। और तिल के बीज का सेवन हार्मोन को नियंत्रित करके मासिक की सारी परेशानी दूर कर देता है। तिल के लड्डू बना लीजिए या फिर तिल को वैसे ही खा सकते हैं। तिल के बीज का सेवन हार्मोन को नियंत्रित करते मासिक की सारी परेशानी दूर कर देता है। और चौथा है, अदरक का एक टुकड़ा पीस कर पिए या खाएं, मासिक ठीक हो जाएगा। अदरक के अंदर भी बहुत काम के केमिकल हैं बॉडी को नियंत्रित करने के लिए, तो उसको आप एक टुकड़ा पीस कर पिए या खाएं, मासिक नियंत्रित हो जाएगा। और होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है मासिक को ठीक करने की। तो देखिए, अगर इन सब घरेलू इलाज से अगर आराम हो जाए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो होम्योपैथिक दवा ले लीजिए, आपका निश्चित मासिक रेगुलर हो जाएगा। तो देखिए, पहली दवा है स्टिलैगो, USTILAGO, स्टिलैगो 30, डेली सुबह 4 गोली एक टाइम लीजिए ना। और दूसरी मेडिसिन है अशोका क्यू, सबसे अच्छी मेडिसिन है मासिक को नियंत्रित करने की। अशोका क्यू डेली 10 बूंद 3 टाइम 1 कप पानी में डाल के लीजिए, डेली 10 बूंद 3 टाइम 1 कप पानी में डाल के लीजिए। तो इन दोनों दवा से आपका जो मासिक की जो इरेगुलरिटी है, जो दर्द है, पेन है, ये सब सही हो जाएगा। और अगर अगर इन सब दोनों मेडिसिन से भी अगर नहीं ठीक हो पाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9450601 पर अपनी जो भी दिक्कत है आप लोग उसको लिख के भेज देंगे, तो एक प्रॉपर सोल्यूशन भेज दिया जाएगा और आपका पूरा इलाज हो जाएगा। और इस वीडियो के बारे में दूसरों को भी बताएं ताकि उनको भी हेल्थ संबंधी इशू में आसानी हो सके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि ये ऊपर आ सके और अधिक लोगों का भला हो सके। थैंक यू।